हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये जो नाम है मुझे सुनता। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम दोनों मिलके आ गए हैं यहाँ पर सब्जी मार्केट, क्योंकि ये जो मार्केट है सिर्फ सैटरडे पर ही लगता है और इसको आप सब्जी मंडी भी बोल सकते हो। बहुत ही अच्छा अच्छा फ्रेश सब्जी यहाँ पर मिलता है और सब्जी देखने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है सारे को ले लूँ। तो हस्बैंड और मैं मिलके यहाँ पर कुछ सब्जी का शॉपिंग करेंगे और बहुत ही अच्छे सब्जी होता है, बिल्कुल खेत से निकाल कर वो सब्जी लाते हैं वो लोग, और गांव का लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत चीप में भी मिल जाता है और फ्रेश भी मिलता है, ऑर्गेनिक रहता है सारा सब्जी। तो ये जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हेलो एवरीवन, सो बहुत ज़्यादा थक के मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि अभी जो टाइम हो रहे है वो है, बज रहा है 2:30। देखिए 2:30 बज रहा है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं एक मार्केट में गई थी, सब्जी मार्केट में, यहाँ पे जो एक मार्केट लगता है सैटरडे पर और बहुत सारा अच्छे अच्छे सब्जी मिलता है और बहुत ही चीप भी रहता है, फ्रेश भी रहता है। सबसे अच्छा बात यह है कि सारे जो सब्जी है वो ऑर्गेनिक होता है, तो साग वगैरह और सब्जी वगैरह, आलू प्याज सब कुछ मिलता है। तो वहाँ पर हम, मेरा जो है पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने सब्जी घर में कुछ भी नहीं थी, तो हमें और हस्बैंड ने मिलके बाइक में गए थे सब्जी लाने के लिए। बाहर जो है बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो इसलिए आँखों में जो है थोड़ा बहुत डस्ट भी चली गई है, तो इसलिए मैं अभी आँखों को क्लीन करूँगी। देखिए आँखों के अंदर क्या घुस रहा था तो अभी जाऊंगी लंच करने के लिए, क्योंकि लंच मैंने ऑलरेडी बना के चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर अगर जाऊंगी तो 2 घंटे तो लग ही जाएगा। हम यहाँ पर निकले थे 12:30 बजे और अभी बज रहे हैं 2:30, तो बहुत ही जल्दी जल्दी से हम लोग बेबी को भी छोड़ के गए थे और बेबी को सिस्टर इन लॉ जो है ऑलरेडी खिला के वो अभी सो गई है। देखिए यहाँ पर वो सो गई है आराम से। तो अभी मैं आई हूँ, सारे सब्जी को अभी अलग अलग करके फिर फ्रिज में रख दूँगी और फिर लंच करके हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को हमारा पूरा प्लान रहता है। और आज जो है, आज राजा का 3rd डे है, तो आज भी कुछ बनाने का, स्वीट डिश बनाने का प्लानिंग था, बट देखती हूँ अगर टाइम हो पाएगा तो बनाऊंगी, नहीं तो कल बनेगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ, सब्जी शॉपिंग। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे पौधे भी मिल रहा था और हमारे जो ये अपार्टमेंट के बीच में आई थिंक 10 to 20 तो नर्सरी बहुत सारे है, नर्सरी तो होगा ही क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नर्सरी है। और यहाँ का जो मिट्टी का कलर है ना, बिल्कुल भी ब्लैक है, मीन्स जैसे कि फर्टिलाइट मिट्टी बोल सकते हो, और उस तरह से ही मिट्टी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बालकनी को थोड़ा सा क्लीन करके फिर सारे गमलों को सेट करने के बाद हम लोग मिट्टी भी लेके आएंगे, फिर पौधा लेके आएंगे, क्योंकि आज भी वहाँ पर मिल रहा था, बट अभी जो है इन लॉस भी है और सारे बहुत सारे कपड़े भी वहाँ पर सूख रहा है, तो अच्छे से काम करना आसान नहीं होगा। और यहाँ का जो ओनर का जो है 3 हांडी गैस सिलेंडर है, तो वो सब हटा के देखते हैं क्या कुछ करके बालकनी को थोड़ा सा सेट करेंगे, नहीं तो बालकनी में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ और क्या मैंने लंच में बनाया है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही मेरी सारी सब्जी। तो सब्जी जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छा रेट में मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि हफ्ते भर के लिए ले लेते हैं। और सब्जी में मैंने लाया है ये बीन्स और साथ ही साथ ये ग्रीन, येलो और रेड का कैप्सिकम, बनाना, नारियल, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, प्याज, आलू, और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ खड़ा मसाला भी लेके आए हैं और ड्रमस्टिक की पत्ते, ये हम लोग बहुत ही अच्छा बना के खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। तो ये सारे सब्जी लाने के बाद हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं अभी डी मार्ट, क्योंकि सिस्टर इन लॉ को और सासू माँ को डी मार्ट मैंने कभी लेके नहीं गए थे, तो डी मार्ट थोड़ी बहुत हम शॉपिंग करेंगे।
फाइनली जो है मैं घर आ गई हूँ और अभी जो टाइम हो रही है वो है 10:15 बज रहा है और हम लोग डी मार्ट एक्चुअली चले गए थे और डी मार्ट जाने के बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि बेबी जो है मेरी गोदी में सो गई थी। बेबी को गोद में लेकर फिर कैमरा में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो बहुत ज़्यादा हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, इधर उधर भाग जा रहे थे तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। और हम लोग जो है बहुत सारा शॉपिंग करके लाए हैं, अराउंड 8,000 का बिल हो गया है। तो ये सारे सामान है, बहुत सारे सामान है। बेबी का डायपर भी ख़त्म हो गया था तो डायपर भी अच्छी खासी सस्ते मिल रही थी वहाँ पर, तो मैंने डायपर लिया है। साथ ही साथ बैडमिंटन का रैकेट और साथ ही साथ जो कॉर्क है वो लिया है। और कॉर्क मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि कॉर्क जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा रेट में भी मिलता है। तो हो सके तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन सा चीज़ कितना रेट में मिल रहा है। इस ब्लॉग पे अगर मैं ये दिखाऊंगी तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सब है और साथ ही साथ बेबी जो है अभी सो गई है क्योंकि हम लोग थोड़ा दूर चले गए थे। डी मार्ट जो है घर से थोड़ा सा दूर है तो आने के टाइम पर हम लोग जब हम डिनर कर रहे थे तो बेबी वहाँ पर ही सो गई थी तो अभी जो है वो सो रही है। तो अभी जाऊँगी बेबी के लिए रोटी बनाने के लिए और बेबी जब उठेगी तो रोटी खाएगी। और मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ ये पान लेके आ गई हूँ मैं, मीठा पान, क्योंकि आज रजे का थर्ड डे है और रजे में हम लोग मीठा पान खाते हैं और मीठा पान खाना शुभ माना जाता है, सब लड़कियाँ मीठा पान खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि डिनर जब हम कर रहे थे उसी होटल के सामने ही एक पान का दुकान था तो मैंने सोचा कि कुछ ले लेते हैं, आज रजे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और मुँह भी थोड़ा मीठा हो जाएगा। तो ये पान लेके आए हैं और मेरे भाई और जो ब्रदर इन लॉ थे वो थोड़ा सा आगे चले आए थे तो इसलिए हम लोग उनके लिए पार्सल मंगा दिया है। तो ये सब चल रहा है, अभी जाऊंगी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी क्योंकि मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, साथ ही साथ बहुत ही सारा डॉट्स में मेरे जो फेस पे बहुत सारा डॉट्स है क्योंकि मैं चली गई थी दोपहर में वो हाट में जो कि सब्जी मार्केट में, और वहाँ पर भी धूप में गई थी। फिर आने के बाद फिर से थोड़ा बहुत ड्रेस चेंज करके मैं चली गई थी डी मार्ट, तो ये सब चल रहा था तो फेस को धोने के लिए टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पर मेरी एक पिक्चर लगी हुई है, ये पिक्चर इस तरह से घर शिफ्टिंग में मुझे मिला, मुझे पता नहीं था ये पिक जो है मेरे पास है। ये देखिए ये 2012 का पिक्चर है, 2012 का पिक्चर है ये, देखिए ये जो ड्रेस था ना मेरा लकी ड्रेस था, इसमें आई थिंक कुछ दाग वाग हो गई है ये फोटो में। और ये फोटो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये मेरे पिक्चर, ये सबसे मेरा फेवरेट पिक है और ये पिक्चर, ये जो पिक के पीछे एक राज है मैं आपको बाद में किसी और एक दिन बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा राज है। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं फ्रेश हो जाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, सो थोड़ा सा मैं पूरा टेंशन में आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि बेबी का जो तबीयत है वो ठीक नहीं है और अभी अभी हमने हॉस्पिटल जाके आए हैं और बेबी जो है यहाँ पर मेरी गोदी में ही है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार है अभी, कल रात से उसको बुखार है। साथ ही साथ दो दिनों पहले मीन्स आज संडे रात से इसको संडे रात से उसको लूज मोशन हो रहा था तो हम लोगों ने लूज मोशन के लिए डॉक्टर से फ़ोन करके फिर दवाई दिए जो कि हम लोग उसको बचपन से दिखाते आए हैं जो डॉक्टर के पास, उसको पूछ के मेडिसिन दिए और लूज मोशन जो ठीक होने वाला था। तो ये नीचे कल गिर गई थी, बेड से नीचे गिर गई थी, बच्चे लोगों के साथ खेल रही थी तो उसी टाइम पे वो नीचे गिर गई थी और उसको मुंह में थोड़ा सा चोट लगी है, मैं आपको ये उठने के बाद दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत ज़ोर से चोट लगी है और चोट की वजह से और वो जो फूड पॉइजनिंग थोड़ा सा हो गया था उसकी वजह से बेबी को जो है कल रात से अभी तक बुखार है, 101-102 जा रही है बुखार। तो मैं बहुत टेंशन में हूँ और 3 दिनों से इसलिए मैं कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, कल
बेबी का जो तबीयत है शाम को थोड़ा सा ठीक हो गई थी, तो वो प्ले एरिया में थोड़ा गई थी, तो मैंने सोचा कि एक पेंडिंग वाला जो ब्लॉग मेरा राजो का है वो एडिट करके मैं भेज दूंगी। तो वो वीडियो करने के बाद मैं सच कहूँ तो मेरे आपको कमेंट देना भी मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि बेबी को अगर तबीयत कुछ हो जाता है मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये हर किसी का माँ ही करते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों को अगर कोई भी हो जाता है, ये तो छोटी है कुछ भी नहीं बोल सकती है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। हाँ, तो अभी अभी हम लोगों ने गए थे हमारे जो पुराने घर में जहाँ पे रहती थी वहाँ पर गए थे, और वहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस जो है अराउंड 25 किलोमीटर से, तो इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने एक जो कि हम रेगुलर डॉक्टर को दिखा रहे थे उसी डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर जो है थोड़ा एंटीबायोटिक और लूज मोशन के लिए भी दवाई दिए है, फीवर के लिए भी दवाई दिया है, तो अभी मैं इसको खिलाऊंगी। अभी गोदी में सो गई है, क्योंकि आने के बाद मैं थोड़ा सा साबूदाने का खीर बनाई थी उसके लिए, बट ये नहीं खाई, पता नहीं खाएगी या नहीं, बट मुझे सच में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, और मेरे में फेस में भी कोई भी मेकअप नहीं है। कल रात को मैं मॉइस्चराइजर लगा के सोई थी, तो आज मॉइस्चराइजर को क्लीन करना का भी मन नहीं कर रहा है, तो मैं फेस पे कोई भी मेकअप या फेस वॉश से भी साफ नहीं किया है। तो सावल जल्दी जल्दी लेने के बाद ही हम लोग चले गए थे, क्योंकि बेबी का जो फीवर का टेम्परेचर था 102 हो गया था, मीन्स 102 हो गया था, तो देखते हैं, और इसका अभी भी बुखार है, तो ये अपडेट देना था। तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग अभी से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से तो मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है फ्रेंड्स। इस तरह से मैं कभी भी इतना ज़्यादा घबराती नहीं हूँ, और नेगेटिव लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं, बट बेबी को अगर कुछ भी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, तो सच्ची में बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे रोना आ रही है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं खाती है, दूध भी नहीं पीती है, तो देखते हैं कब तक इसका तबीयत ठीक होता है। अगर इसका फीवर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगी तो ये थोड़ा बहुत खाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा मैं सुला देती हूँ।